साथियों, मैं आपको कॉइंस बिट पे किस प्रकार से आप MTG को परचेस करेंगे और उसको किसी भी और वॉलेट में, जैसे अगर आपका अकाउंट ट्रस्ट वॉलेट में है या कॉइन बाजार में है, कहीं पर भी है, आप उसमें अपने MTG को कैसे भेजेंगे उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अपना कॉइंस बिट पे अकाउंट बना लिया है तो आप अपने कॉइंस बिट के अकाउंट को ओपन करेंगे, उस पर ख़रीदारी किस प्रकार से करनी है मैं ये बताऊंगा आपको, और उसमें फ़ंड कहाँ से लाना है ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फ़ंड कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ़ंड किस प्रकार से ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपने अपना कॉइंस बिट का अकाउंट ओपन कर लिया, अगर आपकी KYC वेरीफाई हो गई है तो आप यहाँ ऊपर लाइन जो आ रही है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एक विंडो ओपन होकर आएगी, यूजर में जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपकी KYC वेरीफाई है या नहीं। जैसे आप यूजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू खुलेगा, नीचे ड्रॉप डाउन में देखिए यहाँ पे वेरीफाई लिखा है, यानी मेरी KYC वेरीफाई है। अब मुझे इसमें फ़ंड ऐड करना है, फ़ंड ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसमें अपने वॉलेट पे जाऊंगा, बैलेंस, ये बैलेंस में मैं जाऊंगा। यहाँ बैलेंस में क्या होगा, मुझे बैलेंस दिखाएगा कि मेरे पास बैलेंस है नहीं है। तो अभी मान लीजिए मुझे इसमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे डिपॉज़िट करना होगा, डिपॉज़िट पे मैं जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे पास अभी तो देखिए यहाँ पर मेरे पास USD दिख रहा है क्योंकि मैंने डिपॉज़िट ऑलरेडी किया हुआ है आप लोगों को, बट मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे डिपॉज़िट करेंगे और कैसे प्रकार से ट्रेड करेंगे। मैं डिपॉज़िट पे क्लिक करूँगा अगर मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैंने ऊपर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, वॉलेट, डिपॉज़िट, विदड्रॉ, तो आप मैं डिपॉज़िट पे गए। अब यहाँ पर आपके सामने विंडो ओपन होगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है USD, ठीक है, USD। देखिए नीचे USD सिलेक्ट करने पे यहाँ पर लिखा आएगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेमेंट मेथड में सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वीज़ा, मास्टर कार्ड, आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी होगा वो इंटरनेशनल इनेबल होना चाहिए। और यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कितने USD आपको सिलेक्ट करने हैं, कितने डालने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने डाल दिया कि मैं 100 USD लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ट्रांजेक्शन फ़ीस 2 USD की लगेगी और आपको 98 USD इसमें ट्रांसफ़र होंगे। अब आप जैसे ही डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे अब आपका बैंक अकाउंट का पेज आ जाएगा और वहाँ पर आपको डिटेल फिल करके इसको कंप्लीट करना है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप वापस से वॉलेट में आएंगे, अपने वॉलेट में आने के बाद जो आपने USD डिपॉजिट किया होगा वो यहाँ पर दिखने लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने वॉलेट पर क्लिक करा वापस से, देखिए यहाँ पर 103 USD मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे इससे किस प्रकार से ख़रीदना है, ख़रीदने के लिए मेरे पास USD है तो मुझे USD ख़रीदना है, अगर BTC है तो BTC से ख़रीदना है, ठीक है। USD है मेरे पास, वापस से ऊपर तीन लाइन जहाँ पर है वहाँ पे गया, यहाँ पर नीचे सिलेक्ट करूँगा बाई क्रिप्टो में प्रो स्पॉट ट्रेडिंग पे क्लिक करूँगा। मैं ऐसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा, ये विंडो आ गया। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ लिखा है MTG BTC, इसका मतलब कि ये BTC से MTG को परचेस करेगा, बट मेरे पास USD है तो मुझे USD से परचेस करना है। तो मैं यहाँ पर वापस से क्लिक करूँगा, क्योंकि अपने कॉइंस बिट पे आप दो प्रकार से परचेस कर सकते हैं, MTG को BTC से परचेस कर सकते हैं और MTG को USDT से परचेस कर सकते हैं। तो मेरे पास USD है तो अब मैं USD के लिए यहाँ पर STBL पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर USDT को सिलेक्ट करूँगा। USDT को मैंने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे USDT को सिलेक्ट किया, सर्च में जाके MTG टाइप करूँगा मैं, देखिए MTG USDT के साथ में करंट प्राइस इतना चल रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा अभी पूछेगा बाई करना है या सेल करना है, यहाँ पे मुझे बाई करना है, लिमिट में बाई करना है या सेल करना है, मतलब ये जो भी लिमिट का मतलब होगा जो आप प्राइस लगाएंगे उस रेट पे आएगा, मार्केट पे मुझे बाई करना है तो मैंने यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट किया, तो जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट में उस रेट पे मुझे MTG बाई हो जाएगा। जैसे ही मैंने मार्केट सेलेक्ट किया यहाँ पर पूछ रहा है, अब देखिए अभी ओपन होकर आएगा, यहाँ पूछेगा कितना प्राइस आपको, कितने USDT का बाई करना है। मैंने सपोज़ करिए यहाँ पर आपको अभी मैंने USD मेरे पास 103 है, मैंने यहाँ पर 20 USD डाल दिया, 20 USDT, तो यहाँ पर दिखाएगा कि 20 USDT पे आपका बाई होगा 20 USDT का। और जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दिया, मुझसे पूछेगा कंफर्म करना है आपको 20 USDT का, कंफर्म मैंने कर दिया सिलेक्ट।
अब मेरा MTG 20 USDT का बाई हो गया, बाई हो गया। ये बैलेंस देखना है मुझे कि मेरे पास USDT है या नहीं, तो मैं कहाँ से देखूँगा। मैं वापस से अपने 3 लाइन पे जाऊँगा यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है, और जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था USDT और BTC आ रहा था ऑप्शन, वहाँ पर मुझे वापस से जाना है। यहाँ देखिए लिख भी आया है कि 294 MTG बाई हुआ है आपका। यहाँ पर मैं गया बैलेंस पे, जहाँ पे बैलेंस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने जीरो कर दिया कि यहाँ पर जो चीज़ मेरे पास नहीं वो जीरो हट जाएगी। यहाँ पर देखिए नीचे जैसे मैंने यहाँ पर जीरो करा, देखिए यहाँ पे MTG मेरा शो हो गया, 294 MTG मेरे पास है। अब मुझे अगर इसको किसी को भी ट्रांसफ़र करना है, कहीं पर भी ले जाना है, सपोज़ करिए मुझे अपने ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट पे ले जाना है या कॉइन बाजार के अकाउंट पे ले जाना है, तो सबसे पहले मुझे इस पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए छोटा आइकॉन। तो सर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको इसको बेचना है या कहीं पर भी ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी करना है, तो आपका इसको मेन बैलेंस से ट्रेड बैलेंस में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है कि ये टू मेन टू ट्रेड, तो अब आपका यहाँ पर टू ट्रेड में है अभी करंट में, तो आप इसको मेन बैलेंस में ले जाएंगे। मेन बैलेंस में मैंने क्लिक कर दिया, और कितना ले जाना है मुझे, सारा ले जाना है, और मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, मेन बैलेंस। अब ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि MTG मेरा यहाँ पर जो मेन और ट्रेड दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर अब मेरा ये मेन बैलेंस में पहुँच जाएगा ट्रेड बैलेंस से। ठीक है, ट्रेड का मतलब है जब आप इस पर ट्रेड करना चाहते हैं, मेन में आपका जब आपको रखना है तो आप मेन में रखेंगे। अब मुझे इसको मान लीजिए किसी को भेजना है, तो मैं वापस से इसको विड्रॉ पे जाऊंगा। विड्रॉ ऑप्शन है, क्योंकि मुझे विड्रॉ करना है अपने MTG को। विड्रॉ ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा MTG को, बिटकॉइन जहाँ पर लिखा है BTC, यहाँ पर मैंने MTG टाइप करूँगा। यहाँ पर देखिए MTG का एड्रेस आ गया कि MTG मेरे पास 294 है, मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया अवेलेबल 294, नीचे करूँगा। यहाँ पे अब एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है, एड्रेस कौन सा डालना है मुझे, जहाँ पर भी मुझे भेजना है। सपोज़ करिए मुझे ट्रस्ट वॉलेट में भेजना है, तो मुझे ट्रस्ट वॉलेट का MTG का रिसीविंग एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर मुझे कॉइन बाजार पे भेजना है, तो मुझे कॉइन बाजार के MTG का रिसीविंग एड्रेस भेजना है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर एक कॉइन बाजार पर ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। जनरली मैंने यहाँ पर वापस होम पेज में आऊँगा और कॉइन बाजार को ओपन करूँगा। अब मैंने अपना कॉइन बाजार ओपन किया, कॉइन बाजार का मैंने अपना पिन डाला, उसके बाद मैं अपने फ़ंड पे आऊँगा। ये बस यहाँ मैं फ़ंड में अपने गया। अब मुझे यहाँ पर अगर MTG मंगाना है, तो मैंने यहाँ पर अपना MTG का एड्रेस देखा। MTG के एड्रेस में अब मुझे डिपॉज़िट लेना है। डिपॉज़िट के केस में मैं यहाँ डिपॉज़िट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो एड्रेस है, अब देखिए यहाँ पर ये एड्रेस मेरा MTG का एड्रेस है जो कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। वापस से मैं कॉइन बिट के अकाउंट पर गया अपने, देखिए ये ओपन हुआ मेरा कॉइन बिट के अकाउंट। अब यहाँ पर जाके मैंने अपना वो एड्रेस पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पूछ रहा है कि कितने MTG भेजने हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 100 MTG। ठीक है, तो ये बोल रहा है मिनिमम वैल्यू 151 चाहिए, यानी 151 से नीचे आप नहीं भेज सकते, तो मैं यहाँ पर 151 डाल देता हूँ। ठीक है, 151, ओके। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 MTG फीस लगेगा और 150 MTG आपको पहुँचेगा, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने विड्रॉ पे ट्रांसफ़र कर दिया। विड्रॉ पे करने के बाद ये मेरा विड्रॉ चला गया है, तो मुझे अपनी मेल चेक करनी है पहले कि कहीं मेल पे मेरे कोई कंफर्मेशन लिंक तो नहीं आया है। अपनी मेल पे गया, ये मेरी मेल आईडी है, देखिए यहाँ पे विड्रॉ कंफर्मेशन करना है मुझे। यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया कि इस एड्रेस पे आप 151 MTG भेज रहे हैं, कंफर्म विड्रॉ पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर विड्रॉ कंफर्म हो जाएगा और 151 MTG मेरा कॉइंस बिट के अकाउंट से कॉइन बाजार के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने कंफर्म करा, प्रोसेस में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर लिखे आया कि विड्रॉ आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मैं वापस से अपने कॉइन बाजार के अकाउंट पे आऊँगा। कॉइन बाजार के अकाउंट पे आ गया मैं, अपने कॉइन बाजार के अकाउंट पे मैंने बैक करा।
देखिए अभी यहाँ पे मेरे 48 MTG जो मेरे पास पहले से थे वो हैं अभी अभी देखिए 151 में मेरे पास MTG नहीं आया, तो मैं उसको रिफ्रेश करूँगा, अभी नहीं आया है। आप यहाँ पर ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिस्ट्री में भी, अगर डिपॉजिट होगा तो यहीं पर आपका देखिए यहाँ पर जो लास्ट दिखा रहा है 52 MTG मैंने कहीं से मंगाया है। इस प्रकार से मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, आपको सेम इस प्रकार की प्रोसेस करनी है, हो सकता है इसमें अभी 15-20 मिनट लग जाए, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊँगा। धन्यवाद साथियों।